गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में क्या स्टडी कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का आज हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, KQ/R², और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, KQ/R होता था। अब हम लोग इस दोनों के बीच का रिलेशन स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। सपोज कीजिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है इसका, लेकिन इस पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे देखेंगे, छोटा तो है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आएगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे राइट साइड है। अब एक पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन ले लीजिए, देखिए यहां पर मैंने इसको मोटा बना दिया, यहां पर पॉइंट ए नाम दे दिया हमने, इसको पॉइंट बी नाम दे दिया हमने। तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम डेल्टा आर मान लेते हैं, ठीक है ना। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, यही रिलेशन होता है और यही हमको वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट ए, इसको मान लिए पॉइंट ए, यहां पर मान लिए पॉइंट बी, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम डेल्टा आर मान लिए। अब यहां पर एक काफी छोटा पॉइंट चार्ज पार्टिकल को हमने रख दिया, तो ये पॉइंट चार्ज जो होगा काफी छोटा चार्ज है पॉइंट चार्ज, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे, ठीक है, वो किधर की तरफ होगा, राइट साइड में होगा। यानी कि यहां पर कोई सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पॉजिटिव होता ही है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और इसके द्वारा फोर्स जो होगा ये राइट साइड में ऐसे जाएगा, देखिएगा राइट साइड में ऐसे बढ़ेगा आगे की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा प्लस क्यू ई, इसको मान सकते हैं हम ऐसे, देखिए इसको मान सकते हैं हम प्लस क्यू ई। लेकिन चूंकि जब इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल और दूसरे चार्ज पार्टिकल के बीच में, या इस पॉइंट चार्ज या दूसरे चार्ज बॉडी के बीच में अगर रिपल्सन होता है, तो ये पॉइंट चार्ज बॉडी काफी फास्टली मूव करना शुरू कर देगा, किधर की तरफ, राइट साइड में। लेकिन हम पढ़े थे हम लोग कि ये पॉइंट चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक काफी धीरे 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 लेके जाना होता है, ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो सके। याद होगा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे, तब वहां पर मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर पॉइंट चार्ज को कैरी करने में या वर्क डन करने में काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, काफी स्लो होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए, काफी धीरे धीरे पार्टिकल का मूव होना चाहिए। तो अगर इस पार्टिकल के बीच में अचानक रिपल्सन होता है, तो ये पार्टिकल राइट साइड में काफी स्पीड में मूव करेगा, तो इसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जैसे कि ऐसे ही बाहर जा रहा है, इसको पकड़ने के लिए कोई पीछे खींचने वाला एक फोर्स हो, तब ये आराम से धीरे धीरे जाएगा। तो एक लेफ्ट साइड में, यानी कि इस साइड में हम एक फोर्स मान लेते हैं माइनस क्यू ई मान लिए। ये कौन सा फोर्स एक्सटर्नल मान लिए, माइनस क्यू ई, देखिएगा ये फोर्स एक्सटर्नल हो गया कितना, माइनस क्यू ई। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्यू नॉट या पॉइंट चार्ज में रिपल्सन हुआ है, तो राइट साइड में काफी स्पीड में मूव करना वो शुरू होगा पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए।
लेकिन जब भी हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है तो इस बात को ध्यान में रखना होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं पाए, यानी कि पार्टिकल एक पॉइंट पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर जा रहा हो तो स्पीड में ना जाए, वो धीरे धीरे जाए। तो अगर ये रिपल्सन हो रहा था, अचानक से रिपल्सन होगा तो ये स्पीड में पॉइंट ए से बी पर पहुंच जाएगा, तो उसको रोकने के लिए, पीछे से खींचने के लिए हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, कितना, माइनस क्यू ई। यहां पर लिख सकते हैं ये कौन सा फोर्स एक्सटर्नल, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फोर्स हो गया, अब अगर हम वर्क निकालें, वर्क कहां से कहां तक, ए से बी तक जाने के लिए, वर्क फ्रॉम ए टू बी किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। वर्क फ्रॉम ए टू बी अगर निकाले हम तो क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स एक्सटर्नल डॉट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, याद होगा आप लोगों को। तो फोर्स एक्सटर्नल कितना है, माइनस क्यू ई, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर। ध्यान से समझिएगा, माइनस क्यू ई इनटू कितना हो गया, डेल्टा आर हो गया। ये क्या निकल गया हमको, वर्क निकल गया फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी वर्क निकल गया। अब चूंकि पार्टिकल कहां से जा रहा है, ए से कहां पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो ए से बी पे गया तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। याद होगा आप लोगों को, जब वर्क ए से बी तक होता है तो पोटेंशियल निकालने के लिए फाइनल से इनिशियल को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वी बी माइनस वी ए हमने कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होता था, वर्क फ्रॉम ए टू बी और बाय कितना, वर्क फ्रॉम ए टू बी बाय चार्ज क्यू, ठीक है ना, चार्ज कितना क्यू। अब देखिए, अब वैल्यू पुट कीजिए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी क्या है, माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर, और बाय नीचे कितना है, क्यू है। तो हम लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ये क्यू से क्यू खत्म, कितना गया, माइनस ई इंटू डेल्टा आर। और अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें हम मोड में डाल करके तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, दोनों के बीच का रिलेशन हमको मिल गया आसानी से। लेकिन ये कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है यूनिफॉर्म होता, ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, ये केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा जा सकता है। पहले हमने क्या किया, देखिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पर दो पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट ए और बी। ए पर हमने एक काफी छोटा चार्ज रखा हमने, अब ये छोटा चार्ज जो हमने रखा ये पॉजिटिव होगा, और दूसरे जो चार्ज होंगे वो भी पॉजिटिव अगर होता है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये ए से कहां तक जाने की कोशिश करेगा, बी पर, ए से बी तक ये जाने की कोशिश करेगा। तो ए से बी तक जब पहुंचेगा तो वर्क डन होगा, तो जब ए से बी अगर पहुंचता है, वर्क डन ए से बी तक होता है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए बी से ए को माइनस करना होगा, यानी कि वी बी माइनस वी ए करना होगा। अब देखिए, अब ए से बी तक अगर वर्क हो रहा हो, ये क्यू नॉट में अचानक से रिपल्सन हो तो काफी वह स्पीड में भागने की कोशिश करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जब अधिक हो जाएगा तो पूरा का पूरा थ्योरी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये जो फोर्स प्लस क्यू के साथ, प्लस क्यू ई के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, कितना, माइनस क्यू ई, ताकि उसको पकड़ के पीछे खींच के रख सके, यानी कि जितना आगे बढ़ रहा है स्पीड में उसको पीछे खींच देगा, नॉर्मल हो जाएगा उसका स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया, पहले फोर्स एक्सटर्नल हमने निकाल लिया माइनस क्यू ई से,
अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ, तो फोर्स एक्सटर्नल इनटू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसमें कॉस थीटा भी आप लगा सकते हैं यहां पर ई इनटू, क्योंकि हम एक दो तीन फॉर्मूला पढ़े थे, वर्क का दो फॉर्मूला पढ़े थे जूनियर क्लासेज में, कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क बराबर एक और फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो यहां पर आप कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। एंगल अगर बनता हो, कोई एंगल बन रहा हो तब थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, अगर एंगल नहीं बन रहा है तो कॉस थीटा हम नहीं लगाएंगे। हालांकि एंगल तो बनना एकदम जायज है, बनेगा ही, जीरो डिग्री ही क्यों ना बने, लेकिन बनेगा ही। तो अब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इतना मैंने लिख दिया, और वर्क एक्सटर्नल कितना है, माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा। अब वी बी माइनस वी ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना है, माइनस क्यू इंटू डेल्टा, यहां पर हमने रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल, हमको फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। किसके लिए, ये केवल यूनिफॉर्म के लिए ही एप्लीकेबल है। तो बात आती है कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहानी है इसका। अब एक चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप क्या कीजिए, आप एरो साइन दे दीजिए, ठीक है ना, सब जगह एरो साइन दे सकते हैं आप, सब जगह एरो साइन दे दीजिए बेहतर होगा, डेल्टा आर, ठीक है ना, ये एरो साइन, ये वेक्टर फॉर्म में होंगे तो ई इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। ज्यादा बेहतर है, एरो साइन दीजिएगा तो वेक्टर फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो हमको जो प्रूव्ड करना था, ई इंटू कितना, डेल्टा आर हमें मिल गया ना, तो ई के ऊपर यहां भी एरो साइन लगा दीजिए, डेल्टा आर के ऊपर भी एरो साइन लगा दीजिए। तो हमने क्या किया, आसानी से प्रूव कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया हमने और निकाल लिया, कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में था तो हम क्या करेंगे, इसमें एरो साइन लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यह तो यूनिफॉर्म की कंडीशन में था, अब नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में देखिए कि अभी हमको मिला है क्या फॉर्मूला मिला है, कि डेल भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर मिला हमें, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा। अगर वोल्टेज काफी छोटा हो तो लिख सकते हैं डी भी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहने देते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं, ई इंटू डी आर। ये कब होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए होगा, कैसे ध्यान दीजिएगा, मान गए कोई भी, जैसे कि सपोज कीजिए नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, कैसे है, मतलब ऐसे नॉन यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा इसको हम क्या कर देंगे, इंफिनिटी पार्ट में इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो किसी दो पॉइंट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, ठीक है ना, सिलेक्ट कर लिए, नाम दे देते हैं इसको, मैं मिटा देता हूं, नाम दे देते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, काफी कम है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या मान सकते हैं, डी आर। तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वो भी काफी छोटा होगा, डी भी होगा, डी भी होगा। अब देखिए पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, इसको ए बी मान लिए, उस जगह का निकाल लीजिए, फिर इसके और इसके बीच का अलग अलग निकाल लेंगे, फिर इसके इसके बीच का अलग निकाल लेंगे, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का अलग अलग निकाल लेंगे, मतलब हर एक पॉइंट के बीच का अलग अलग निकाल के बाद में सबको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ, तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। तो डी भी ये छोटे से पॉइंट के लिए, पॉइंट ए से बी तक जो गया था, इस छोटे से दो पॉइंट के बीच का हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करें, मान के दो पॉइंट का ही ना निकला, डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये दो पॉइंट का अगर पूरा निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई इंटू कितना, डी आर। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं, कहां से कहां तक, ए से कहां तक, बी तक। तो फ्रॉम ए टू बी, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, कि ई क्यों नहीं बाहर आएगा, ई बाहर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो डी भी का कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
ये डेल्टा भी हो गया, माइनस को बाहर निकाल लीजिए और कितना हो गया ई इंटू डी आर हो गया, कहां से कहां तक, ए से बी तक। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है इंटीग्रेट करके, डी आर है, इंटीग्रेट करके इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ए इसका नहीं है, ये ए इसका है, ठीक है ना। तो हमको क्या मिला, तीन फॉर्मूला मिला हमको, मिला एक डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई इनटू डेल्टा आर, दूसरा डी भी इक्वल टू, ये किसके लिए था, ये यूनिफॉर्म के लिए था, और ये सब किसके लिए है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। समझ में आ गया बच्चों, अब देखिए बच्चों मिठाई से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक बेहतरीन चीज बताने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, उतना बेहतरीन चीज हम आपको एक क्वेश्चन बताने वाले हैं उस पर। फिलहाल एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सपोज कीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। अब यहां पर एक ट्रायंगुलर शेप का कोई है, कोई फिगर बनाया हुआ है, इसको ए, इसको बी, सी, ए और सी के बीच का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और बी और सी के बीच का लेंथ दिया हुआ है 4 cm दिया हुआ है। अब क्वेश्चन दे दे हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5×10³ न्यूटन पर कूलम। अब क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, ए और सी का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सॉल्यूशन देखिए कैसे देंगे इसको, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में, ए और सी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा ए और बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, क्योंकि बी और सी एक ही लाइन में है, तो ए और सी के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही ए और बी के बीच का भी होगा। तो अगर ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें तो ए और सी के बीच का भी निकल जाएगा। अब देखिए 5 ये 4 तो ये 3 cm निकलेगा, h² = p² + b² से, तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब देखिए माइनस ई तो −5×10³ N/C इंटू डेल्टा आर कितना है 3 हो, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 5×3, अब देखो इसमें क्या है सेंटीमीटर में, ये सब किसमें है सेंटीमीटर में, क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 10^-2 meter में कन्वर्ट हो गया, 1 cm = 10^-2 meter पता होगा, 5×3 कितना हो जाएगा −15, 10^3 और 10^-2 कितना हो जाएगा 10^1, तो −15×10 यानी कि 150 क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वोल्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन कि बी और ए में किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ है, ए से बी की तरफ है, तो जितना आगे बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता चला जाता है, यानी कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी, याद रखिएगा।
ये बी बाद में है ना, बी बाद में है, ए पहले हो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये अगर आगे बढ़ता है, जितना आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जितना बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ए और सी के बीच का वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो ए और बी के बीच का होगा। तो ए और बी के बीच का कितना आया, -150 वोल्ट आया, यानी कि ए और सी के बीच का भी कितना होगा, -150 वोल्ट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। बेटा बच्चों एक क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में समझ में आएगा अच्छे से आप लोगों को। अब देखिए एक ट्रायंगल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू देख रहे हैं, एक ट्रायंगुलर फॉर्म है हमारे पास ए बी सी, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, कितना भी दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना भी दे दे अपना एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे। अब सपोज करो ए और बी, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे 30 न्यूटन पर कूलम। अब ए और बी के बीच का लेंथ, ए और बी के बीच का लेंथ अगर दे दे 5 सेंटीमीटर या मीटर में ही 5 मीटर दे दे, फिर बी और सी के बीच का भी 5 मीटर दे दे, और ए और सी के बीच का भी कितना दे दे 5 मीटर दे दे, पूछे कि फाइंड, क्वेश्चन पूछे फाइंड फर्स्ट नंबर वी ए माइनस वी बी, और दूसरा क्वेश्चन दे दे वी बी माइनस वी सी। देखना ध्यान से, अब देखो यहां पर ये कौन सा ट्रेंगल है, सारे साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रेंगल होंगे, तो एंगल की बात आ गई, यहां पर कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, हर एंगल 60 डिग्री का हर एक एंगल बनाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, कौन सा पहला क्वेश्चन क्या है, वी ए माइनस वी बी, पहला का फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन करते हैं वी ए माइनस वी बी, इसमें से इसमें। अच्छा एक डिसाइड करो, ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी का होगा, ए क्या है थोड़ा सा आगे, बी क्या है थोड़ा सा पीछे है, तो बी से अगर सपोज करो यहां से ऐसे ले आए, तो यहां पर ना ए है, सपोज अगर करें तो इस पॉइंट पे ए है, तो ए बी के बाद है, तो ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यानी कि वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए, वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए, और बी और सी में वी बी विल बी ग्रेटर देन वी सी, ठीक है ना, याद रखना। अब माइनस प्लस का बड़ा झंझट हो रहा है, ये माइनस प्लस क्या करे, किस तरह करे, तो बहुत आसान तरीका है, आप क्या कीजिए कि मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए पहले डेल्टा वी का, मैग्नीट्यूड निकालते हैं डेल्टा वी, यानी कि वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो फॉर्मूला से क्या था, माइनस ई इंटू डेल्टा आर, तो जब मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो माइनस हट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, ई इंटू डेल्टा आर, याद है बोले थे कि जब एंगल हो तो कॉस थीटा का यूज करेंगे, डेल्टा आर कॉस थीटा हो गया ना, तो ई कितना है 30 न्यूटन, तो 30 इंटू डेल्टा आर कितना है 5 मीटर, 5 मीटर इंटू कॉस ए और बी। अब देखो ऐसे अगर आगे बढ़े हैं, ऐसे एंगल कितना 120 डिग्री, फिलहाल एंगल कितना है यहां पर, किसके किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री रख देंगे, 35 150, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 से 150 कट गया, कितना 75 वोल्ट आ गया। अब देखिए अब बात आती है कि माइनस में लिखें या प्लस में लिखें, हमारे पास कितना आया डेल्टा वी इक्वल टू 75 वोल्ट आ गया, तो अगर वी लिखना हो, तो अगर हमको वी लिखना हो
तो माइनस में लिखेंगे कि प्लस में, देखना हम क्या कर रहे हैं, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, ये तो कम है, यहां पर भी ये क्या है कम है, किससे, वीबी से, तो कम से में से अधिक को माइनस कर रहे हैं, तो जब भी कम में से अधिक को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो भी स्क्वायर कितना हो जाएगा -75 वोल्ट का आंसर हो जाएगा, किसका, भी ए माइनस वीबी का। अब क्वेश्चन है कि वीबी माइनस वीसी का कितना होगा, वीबी माइनस वीसी का देखिए, अब सेकंड आता है सेकंड नंबर कि वीबी माइनस वीसी का निकालते हैं, यानी कि डेल्टा वी इसका निकालते हैं फॉर्मूला से, ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, ई कितना है 30, डेल्टा एफ आई इंटू कॉस, अब बी और सी के बीच का निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इधर, और जो डिस्टेंस या वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री लिख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री रखने के बाद 35 150, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 150 वोल्ट आ गया, तो एकदम डेल्टा वी इज इक्वल टू आ गया, तो वी इज इक्वल टू कहां से, वीबी माइनस वीसी निकालना है, वीबी माइनस वीसी निकाल रहे हैं, अब देखो ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर रहे हैं, वीबी ग्रेटर है ना, तो किसमें आएगा प्लस में आएगा, 150 वोल्ट यहां पर प्लस में आंसर हो जाएगा, समझ में आया बच्चों, उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है ना, वोल्ट निकला है, चलिए गुड आगे बढ़े हम लोग मिटाएं से, वेरी गुड मिटाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ, अब देखिए बच्चों हम लोग अभी पढ़े थे कि डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, एक चीज और पढ़े थे हम लोग कि डी भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, अच्छा किसी किसी बुक में कहीं कहीं यहां पर दिया हुआ है कि यहां से अगर ई निकाला जाए माइनस ई निकाले तो लिख सकते हैं हम डी भी बाई डी आर, लिख सकते हैं दिया हुआ भी है बुक में, लेकिन इसको अब इसको कुछ और अलग तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अलग ढंग से इसको पढ़ेंगे हम लोग, हालांकि यहां पे डॉट प्रोडक्ट है तो शायद ये सही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बुक्स में लिखा हुआ है इस टाइप का तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि सही है, लेकिन ये एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो सही नहीं है, इसको कुछ अलग अंदाज में देखेंगे, अलग अंदाज में इसको पढ़ेंगे, देखिए कैसे, देखिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, कैसे देखेंगे, देखिए अभी हम लोग 3 डायमेंशनल चल रहे हैं, हम लोग चलते हैं अभी 3 डायमेंशनल फॉर्म में चलते हैं, जहां पर एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों होता हो, ठीक है ना, अब देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं वेक्टर आई, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप, और जेड एक्सिस को क्या कहते हैं के कैप कहते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको तीनों फॉर्म में लिख रहे हैं, ई एक्स कैप आई प्लस ई वाई कैप जे प्लस ई जेड कैप के, हमने लिख दिया, अब हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं आर को, आर को लिख रहे हैं हम लोग एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के, अब देखिए यहां पर इसको याद रखिएगा डी आर के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं डी एक्स कैप आई प्लस
डी वाई कैप जे प्लस डी जेड कैप के। लिख दिया हमने डी आर डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम लोग निकालते हैं, अपना फॉर्मूला यूज करते हैं कि डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा या डी भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ये नीचे वाला यूज करते हैं, ज्यादा वही यूज होता है, ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होता है। तो हम लिखते हैं डी भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। माइनस ई का वैल्यू रखिए कितना है, ध्यान से, ई एक्स कैप आई प्लस ई वाई कैप जे प्लस ई जेड कैप के और इनटू क्या है डी आर। डी आर नीचे है या डी आर है ना, तो लिखते हैं हम लोग डी एक्स कैप आई प्लस डी वाई कैप जे प्लस डी जेड कैप के। लिख दिया हमने स्केलर प्रोडक्ट, आपको याद होगा कि सेम वाले को सेम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी को हम रेस्ट को हटा देंगे, जीरो वैल्यू मान हो जाता है उसका। अब देखिए रखते हैं ई एक्स आई को डी एक्स आई को, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखना, माइनस ई एक्स आई माइनस ई एक्स आई इंटू डी एक्स आई, फिर माइनस ई वाई जे माइनस ई वाई कैप जे इंटू कितना डी वाई कैप जे, फिर माइनस माइनस ई जेड कैप के इंटू डी जेड कैप के। अब देखो कैप आई वन तो हमारे पास आ गया माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड, किसका वैल्यू आया डी भी का, डी भी इक्वल टू आ गया माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई और माइनस ई जेड इंटू डी जेड। अब देखिए अब पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, x के टर्म में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dv को, तो डेल भी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू इसको भी। अब देखिए जब हम x के टर्म में x वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो ठीक से, जब हम x वाले टर्म को x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z वाला टर्म कांस्टेंट हो जाता है, जिसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। माइनस ई एक्स डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ई एक्स आ गया, माइनस ई एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो, यह जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो जो भी करना है, माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल भी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ई एक्स। अब देखो एक्स के टर्म में ये वाला फॉर्मूला परफेक्ट है, जो कि हम पहले एक चीज बताए थे याद करो कि लिखे थे हम लोग माइनस ई इज इक्वल टू डी भी बाई डी आर, याद आ रहा होगा, सब चीज वही है, लेकिन इस फॉर्म में कोशिश किया जाता है नहीं लिखने का, लेकिन बुक में दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग के फॉर्म में, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब माइनस ई इंटू डी आर इसका टू डी भी हो, यहां तक डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट है तो इस फॉर्म में नहीं आ सकता है, इसलिए ज्यादा बेहतर होगा इस फॉर्म में लिखिए। सेम चीज है, यहां पर एक्स लग गया है ई एक्स, जब यहां एक्स हो गया तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा, डी को हम डेल भी बाई डेल आर या डेल एक्स या जो लिखना है सो लिखिए। अब चलिए हम y वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, इधर वाला टर्म ये पूरा मिटा रहे हैं, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाला चीज है इसे। अब हम कब लिख रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
वाई के रिस्पेक्ट में। तो जब वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स और जेड कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि हमारे पास आ जाएगा डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू ये जीरो, जीरो प्लस कितना हो जाएगा, जीरो प्लस ये माइनस ई वाई डी वाई, जीरो प्लस माइनस कितना आ जाएगा ई वाई, और फिर कितना प्लस जीरो, वो जीरो टर्म होंगे। तो यानी कि डेल वी बाई डेल वाई को डिफरेंशिएट किए तो माइनस ई वाई आ गया। उसी तरह अगर हम जेड वाले टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस ई जेड आ जाएगा। मुझे पता है कि आपको काफी अच्छा से समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, एक दो न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे काफी अच्छा से आपको भी समझ में आने लग जाएगा। और एक्स वाला टर्म क्या था, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारा ये वाला फॉर्मूला सही तो है, ये इसके टर्म में लिख सकते हैं, बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। 2015 में ठीक है ना, मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड, चल रहे हैं उसको देख लेते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिटाई से बच्चों, ये डेल वी बाई डेल एक्स पार्शियली याद रखिए, ठीक है ना। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ना, कि क्वेश्चन क्या था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई 25 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, 25 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ठीक है ना। एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ स्पेस इफ द पोटेंशियल ऑफ द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो, देन फाइंड पोटेंशियल एट x बराबर 2 मीटर एंड y बराबर 2 मीटर। यानी कि x बराबर 2 मीटर दिया है और y बराबर कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। ये 2015 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए हमको क्या करना है, x बराबर कितना है, 2 मीटर है, और y बराबर कितना है, 2 मीटर है। ध्यान से देखना है इसमें, यहां पर देखो अगर हम ये किसके i कैप है तो ये x के एक्सिस में है, और ये j जो है किस एक्सिस में है, y एक्सिस में है, z एक्सिस वाला इसमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले याद करो x वाले को dv/dx इक्वल टू माइनस ई एक्स होता था, तो यहां से अगर डेल भी निकालें तो माइनस ई एक्स इंटू कितना हो जाएगा dx। यहां पर देखते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स। डेल वी यानी कि भी, यानी कि कौन सा भी, डी वी इज इक्वल टू माइनस बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स, हो गया एक्स वाला टर्म। अब उसी तरह वाई वाला टर्म अगर निकालें तो डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई इंटू कितना हो जाएगा डी वाई। अब फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर भी निकाले तो डी भी माइनस डी भी, यानी कि एक्स टर्म में और वाई टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि माइनस देखना ज्यादा हार्ड नहीं है, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई इंटू कितना हो जाएगा डी वाई, ठीक है ना। अब देखिए तो भी बराबर माइनस, कहां से कहां तक है, 2 मीटर ओरिजिन जीरो से कहां तक 2 मीटर, वाई वाला टर्म भी जीरो से 2 मीटर। ये देखिए एक्स वाला टर्म कितना है 2 मीटर, कहां से शुरू होकर जीरो से, वाई वाला टर्म भी 2 मीटर कहां से जीरो से शुरू होकर के, देखिए कितना आसानी से बनेगा जीरो से, यानी कि ई एक्स जो है, अब देखो ई एक्स जो है वो यहां पर 25 है, यहां पर किसके फॉर्म में है ये ई एक्स आई प्लस ई वाई जे के फॉर्म में है, तो ई एक्स कितना है 25 है और ई वाई कितना है बाबू 30 है। ध्यान देना ई एक्स आई क्या फॉर्म था, याद करो फॉर्म क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के फॉर्म में था ना।
अब देखिए ईएक्स आई, तो ईएक्स के बदले में कितना है 25, आई तो आई है तो ईएक्स के बदले में 25 और ईवाई के बदले में कितना है 25, तब रखते हैं वैल्यू। देखिए वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ईएक्स के बदले में कितना, देखना ईएक्स के बदले में कितना 25, तो 25 इंटू डीएक्स माइनस 0 से लेकर 2, ईवाई के बदले में 30, तो 30 इंटू डी वन। अब देखो डीएक्स कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक है, तो 0 को खत्म करो, डीएक्स के बदले में हम 2 रखते हैं, तो 25 2 जा कितना हो जाएगा माइनस में माइनस 50, 25 2 जा माइनस 50 और माइनस 30 2 जा 60, तो 60 और 50 कितना होता है माइनस 110 वोल्ट। बताओ बच्चों कौन सा हार्ड ज्यादा क्वेश्चन है कि हम लोग टेंशन लिए रहते हैं कि मेंस वगैरह में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। यहां पर e किसके फॉर्म में था, exi, eyj, ez के, तो यहां पर ex के रूप में कौन है 25 है, i तो i है, ey 30 है, j का j है, ez नहीं है इसमें k है, तो सबको क्या करेंगे 0 मान लेंगे। चलिए एक और इस पर क्वेश्चन देखते हैं, आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा, ये तो एग्जाम में पूछा था इसलिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ ए स्पेस अराउंड द पॉइंट माइनस 1 मीटर, यानी कि एक्स बराबर माइनस 1 मीटर, वाई बराबर 2 मीटर एंड जेड इक्वल टू कितना है 3 मीटर दिया हुआ है। देखो इज गिवन बाय वी, अब वी कितना दिया हुआ है, देखो 10x² + 5y² और -3z² दिया हुआ है, इतना ना वोल्ट। कैलकुलेट ऑल थ्री कंपोनेंट्स, यानी कि हमको निकालना क्या है, ईएक्स निकालना है, तो माइनस ईएक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स, माइनस ईवाई इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई और माइनस ईजेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अब वाई कितना डेल जेड, ठीक है ना, यह तीनों कंपोनेंट निकालना है, तो सबसे पहले ईएक्स निकालने चलते हैं, ठीक है ना, तो माइनस ईएक्स इज इक्वल टू, तो माइनस यहां से हटा दे रहे हैं उधर लगा दे रहे हैं, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स और भी कितना है, देखो बच्चों भी दिया है कितना 10x² + 5y² - 3z². देखो काफी आसानी से बना सकते हैं, अब क्या करेंगे पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे, तो x के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाकी ये दोनों टर्म जीरो, इसका पार्शियली क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z क्या हो जाएगा जीरो, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो ex बराबर हो जाएगा, ये सब तो जीरो हो गया y और z, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 × 20 20x, माइनस में है तो -20x हो गया। ठीक है अब देखो तो -20 × x का वैल्यू कितना बच्चों -1 मीटर, -20 × -1 कितना हो गया +20, ऐसे जो भी दिए रहेंगे -1, 2, 3 ऐसे जो भी दिया हुआ रहेगा आप समझिएगा कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 20 क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम हो गया। उसी तरह अगर हम ईवाई निकालें तो एक्स वाला एक्स और जेड वाला जीरो, क्या बच जाएगा 5y², तो 5y² के जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10y, तो 10 इंटू y का वैल्यू कितना बच्चों 2, तो 10 इंटू 2 इसमें क्या माइनस में है ना, ये माइनस पहले लगा हुआ है ना सब में माइनस, तो -10y तो -10 × 2 यानी कि -20 N/m³। अब देखिए अब निकालना है ez, तो ez जब निकालेंगे तो बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे खत्म, तो माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3z² का करेंगे तो 6z हो गया, तो 6 इंटू जेड का वैल्यू कितना बच्चों 3, तो 6 इंटू 3
यानी कि 18 न्यूटन पर कूलम। कितना आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों, देखो ईएक्स भी निकाल लिए, थ्री कंपोनेंट्स पूछ रहा था, ईएक्स निकाल लिए, ईवाई निकाल लिए, ईजेड भी निकाल लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन चलते चलते लास्ट में, एक और चलते चलते क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है, देखिए गिवन है, ध्यान देखिए गिवन, वोल्ट इज इक्वल टू दिया 4x² वोल्ट। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर, 0 and 2 मीटर। बहुत आसान है बच्चों, सॉल्यूशन x कितना है 1 मीटर, y कितना है 0, जेड कितना है 2 मीटर, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन किसमें है, केवल एक्स एक्सिस पर है, वाई जेड नहीं है, इसलिए इसको हम डेल वाई और डेल एक्स जीरो होगा, क्योंकि वाई एक्स तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस ई एक्स, तो ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी, अब आई कितना डेल एक्स माइनस डेल वी कितना है 4x² और y कितना हो जाएगा dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 × 8 -8x हो गया। अब x का वैल्यू कितना है 1 मीटर, तो -8 × x है ना, x का वैल्यू कितना है 1 मीटर, तो 8 × 1 -8 और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो न्यूटन पर कूलम हो गया, यानी कि ex = -8 न्यूटन पर कूलम हो गया। ey कितना होगा 0, बिकॉज y तो है नहीं, ez कितना होगा 0, क्योंकि इसमें yz नहीं है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का क्लास आपको आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वही सिंपल सा कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी है जो आपसे नहीं बन पा रहा है या समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व आउट करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।